थँक्यू सो मच गरज मॅच होते सुरुवात पहिलाच बॉल आणि ऑनरायचा हा फटका दाब येत मी ते पहिली सिंगल आपल्याला पाहायला मी ते चांगली मॅच पाहायला मिळेल दोन चांगल्या टीम आहेत त्या अनुषंगानं हा देखील आपल्याला एक चांगला सामना पाहायला मिळेल मैरा स्पोर्ट्स च्या अगेन्स विक्टोरियन्स अशी लढत आहे मायरा स्पोर्ट्स आ, एक चांगला संघ आहे विक्टोरियन संघाची देखील कामगिरी आपण लास्ट इयर लास्ट सीझन खूप चांगली बघितली टॉस जिंकून प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता विक्टोरियन स्पोर्ट्सच्या कॅप्टन हा मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ असते म्हणतो माझ्या आकर्षक अशी ट्रॉफी आपण देतो पुन्हा एकदा अभिनंदन खेळूनच आणि मान्यवरांचा मनापासून yes. आभार कंटिन्यू करूया सामन्याला स्कोर बोर्ड वरती लेफ्ट राईटिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आत मध्ये पुढील चिंडू क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू आणि बाटचा संपर्क अजिबात नाहीयेत चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला पहिल्या षटकामध्ये बॉलिंग बॉलर आदेश गीते। गीते। यावेळेचा हा चांगला चेंडू विकेट टू विकेट सध्या तरी आपल्याला बॉलिंग पाहायला मी ते मैदानाच्या त्याचा फायदा होत असं आदेशला का लेफ्टी बॉलर लेफ्टी बॉलर आज बघतो आपण सकाळपासून इम्प्रेस केलेले जेव्हा जेव्हा लेफ्टी बॉलर बॉलिंग केलेली आहे तेव्हा तेव्हा त्याचा फायदा प्रत्येकी टीमला जा आहे आणि सध्या तरी बघतो आपण आदेश देखील विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना दानेश थोडासा बाग फुटला आहे त्याने दोन बॉल खेळलेला आहे त्याच्या बॅटमधून अजून एकही दावा दिलेला नाही आहे स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला फक्त एक पाहायला मिळते एक दहा पालकावरती आहे पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना प्रत्येकी सहा सहा ओव्हरचे सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत बी सी फोर सिटी क्रिकेटर तसंच दा दा बी सी फोर चॅम्पियन ट्रॉफी फटका सुंदर आहे शॉर्ट अक्षरशः बनवलं दानेशनं आणि हा चेंडू पाठवला बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर पहिला चौकार चार धावा सुंदर शॉर्ट डबल पाहिलं मला टायमिंग प्रचंड चांगलं होतं त्याच्यावरती हा एक विस्फोटक फटका येत असताना दानिशच्या बॅटमधून थोडेसे मागे गेले अगोदर पुढे पुन्हा मागे तेवढा वेळ नव्हता बॅटरकडे चेंडूमध्ये गती सुंदर होती आणि चेंडू बघतो आपण विकेट किपरच्या आतामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल अल्ताब आहेत एस्टनच्या मागे अल्ताब शेख खतरो की खेळाडी प्रतिमा खेळाडू आहे सध्या तरी एस्टनच्या मागे मास्टर काम करत असताना फिल्डिंग बघत असताना कशा पद्धतीने नेक्स्ट बॉल फटका अतिशय चांगला आहे रन्स देखील चांगला मिळतील दानेशने केली आक्रमणाला सुरुवात हा चेंडू लाईनच्या बाहेर षटकार पहिला षटकाचा खेळ झालेला कम्प्लीट ऍक्शन द्रिप्र तुम्हाला पाहायला मिळेल सुंदर होता शॉट आणि या पहिल्या वर्षा किरीत संघाची धावसंख्या संख्या आपल्याला पाहायला मिळते बिनगडिबात अकरा धावा स्कोर बोर्डवरती मायरा स्पोर्ट्स बॅटिंग करत पहिल्या डावामध्ये सेकंड ओवर मध्ये बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला शाकिब पाहायला मिळतील शाकिब खान बॉलिंग वरती आहेत दानिशन एक सिक्सर एक बाउंड्री त्याच्या आपल्याला पाहायला मिळाली आमिर साकिंगला टर्न केला फटका मध्ये प्रोटेक्शन आहे चांगली फिल्डिंग अपेक्षित होती थोडीशी खराब झालेली आहे त्याचा फायदा लगेचच दोन्ही फलंदाज घेत असताना दानिश आणि आमिर दावा मिळतात दा दोन आणि या दोन दहावीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दोन न जाते पुढे स्कोर कार्ड वरती रन्स येत एकूण तेरा थर्टीन ओवर मध्ये अकरा आल्या होत्या फटका फसला मी सामिंग फिल्डर तिथे पोहोचणार नाही थोडासा फिल्डर दूर होता चांगली फिल्डिंग डीपमध्ये स्लीपर कव्हर मधून फिल्डर पोहोचले होते चेंडू उचलण्यासाठी तचबरोबर मी इथे एक सिंगल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या पुन्हा एक न जाते पुढे स्कोर बोर्ड वरती रन्स आहेत एकूण चौदा फॉटीन सेकंड वरचा खेळ मार्गस्थ सुंदर आणि अतिशय चांगली आहे ही क्रिकेट टुर्नामेंट बी सी फोर चॅम्पियन ट्रॉफी दोन हजार तेवीस आणि सी फोर क्रिकेटला सुरुवात झालेली आहे आणि तीन दिवस डी डी ग्राउंडवरती तुम्हाला या स्पर्धेचा आनंद घेता येईल भिवंडीचे सार खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील ऑपस्टिकच्या बरासा बराचसा फारूक फारुख सरांचा आपला अंदाज सांगत असताना व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाचे धावस घ्यायला एक न पुढे स्कोर बिरोधी रन्स आहे पंधरा फिफ्टीन क्लायमेट आपण जर बघितलं तर थोडस डगाळ वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतय कधी ऊन येते कधी सावळी येते अको टप्पाचा जरूर होता आडव्या बाटना ऑन साईडला खेळायचं होतं चेंडू आणि बाजचा संपर्क नाहीये चांगला चेंडू होता दानीचा प्रयत्न ऑन साईडला पुन्हा पूल करून मिडविकेटला फटका क्लिअर करायचे करायचंय याच्याकडे त्याने मिडविकेटला फटका खेळला होता त्याच पद्धतीनं पुन्हा एकदा त्याचा प्रयत्न आपल्याला त्याची ऑन साईड मिडविकेट ही त्याची प्रमुख बाजू आपण म्हणू शकू त्याचा फेवरेट झोन येतो दानीचा पुन्हा तसच काय प्रयत्न चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये चेंडू ऑपस्टिकच्या बराचसा बाहेर आहे आता अंपार सांगत असताना चेंडू व्हाईट बॉल आहे एक्स्ट्रा दावीत निघमेल आणि एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाचे दाव संघ एक ना पुढे स्कोअरबर्ड वरती रन्स आपल्याला ऐकून पाहायला मिळत आहेत सोहा स्वादा। सोळा दावा बघतो आपण सकाळपासून आम्ही तोच उल्लेख करतो की बी सी फोरचा जो फॉर्मॅट आहे या सीझनचा तो आपल्याला एक वेगळ्याच दर्जावरती पाहायला मिळेल आणि प्लस पॉईंट असं आहे की फ्री एंट्री टुर्नामेंट बघा कुठल्या प्रकारचा प्रवेश फी घेतलेली नाहीये कुठल्याच टीमकडनं हे आवर्जून उल्लेख होणं गरजेचं आम्ही सकाळी देखील उल्लेख केला होता की कुठल्या प्रकारची प्रवेश फी नाहीये फ्री एंट्री टुर्नामेंट आणि एवढं मोठं नियोजन हो एवढं सोपं नाही अतिशय सुंदरी संकल्पना अमोलदादा पाटील सध्या अध्यक्ष म्हणून काम बघताय त्यांची पूर्ण टीम सकाळपासूनच बघतो बन दादा ठाकरे असतील दिनेश दादा असतील सगळेच प्रमोददादा माथेरे असतील अल्तापबाई भाली असतील माझ्या अध्यक्षांची सगळ्यांची मेहनत आणि त्यांची पूर्ण टीम आपल्याला पाहायला माहिती नेक्स्ट बॉल फटका सुंदर आहे दानिशच्या बाटपून हा धमाका आहे चेंडू बाउंड्रीलांच्या बाहेर Long, long, long big, Vesic, sir. अजून एक फटका चांगला आहे डीप मध्ये कोणी फिल्डर दानेश काय जबरदस्त बॅटिंग करतो मी तिथे छात मध्ये आज चेंडू स्क्वार ला लाख बाउंड्रीच्या बाहेर सिक्सर षटका यावर्षी संपलेत बघतो आपण दोन दोन वर्ष संपला दोन वर्षाखरी स्कोर बिरोधी रन्स येत अठ्ठावीस दावा चौदाची सरासरी पहिल्या मध्ये बॅटिंग करत असताना मायरा स्पोर्ट्स दोन ओव्हरचा केस संपला दोन ओव्हरच्या एकरीसचा चौदाशे सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती रन्स आहेत एकूण अठ्ठावीस दावा साई लागलेत बॉलिंग वरती थर्ड मध्ये विक्टोरियन स्पोर्ट्स मध्ये आपल्याला बरेचसे नवीन खेळाडू पाहायला मिळते त्यांच्या कॅप्टनने सांगितलं होतं बरेचसे चेंजेस आहेत ते देखील आपण बघतोय सध्या तरी टीम मध्ये चला साईल थोडासा वेळ कमी घ्या अशा आपण अजून एक मॅच आम्हाला कव्हर करायचे प्लीज लापठी बॉलर साईल यंगस्टर आहेत त्याला देखील संधी मात्र मिळती आहे या क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये खेळण्याची प्रतिमा खेळाडू आहे बॉल तरह सुंदर अपन बगित दानिश ने इम्प्रेस किया चांगली बैटिंग आतापर्यत गोट स्कोर बोर्ड एक ट्वेंटी नाइन इन बोर्ड एक पुस्तक पहा तीसरा षटका सा मार्ग से बीसी फोर चैम्पियन ट्रॉफी फ्री एंट्री टूर्नामेंट कुछ प्रवेश भी घी गे क्रिकेट टूर्नामेंट मध्य चांगली संकल्पना चांगला चेंडू भरपूर शब्द झाले होते दाने आणि बाटचा संपर्क बघूया पारचा इशारा आपल्या बायचा इशारा आहे आणि बाटचा संपर्क अजिबात नाहीये दावित नाही सिंगल मेल साईल विकेट टू विकेट बॉलिंग करतो चांगली लेंथ आहे चांगल्या टप्पावरती त्याचा आपल्याला नियंत्रण पाहायला मिळतं आणि विकेट टू विकेट सध्या तरी तो बॉलिंग करत असताना या षटकामध्ये आम्हीच पुन्हा साकिंग कमी केली गती त्याचा फायदा होईल आम्ही रेडी होत्या फटक्यासाठी खाली रिशन मध्ये खेळले चेंडू स्वार लाख बांडलांच्या बाहेर माँप करा क्षमा असो करा, सिक्सर आपल्याला हा पाहायला मिळतोय कमी होती गती अकूटपासा होता चेंडू आणि त्याच्यावरती हा फटका सुंदर होता आमिरच्या बॅटमधून पहिल्या विकेटसाठी एक चांगली भागीदारी सध्या तरी मायरा स्पोर्टची आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड छत्तीस वरती थर्टी सिक्स रन्स इन अ बोट छत्तीस धावा स्कोर बोर्ड वरती थर्ड ओव्हरचा खेळ मार्ग असताना सध्या तरी दोन्ही फलंदाज चांगली बॅटिंग करतात पहिल्या विकेटसाठी चांगली भागीदारी पाहायला मिळते क्लायमेट पुन्हा आपल्याला बदलताना पाहायला मिळतं आता चेंडू चांगला आणि छेंडू साईलच्या हातामध्ये आला असं कदाचित डेरे किटचा प्रयत्न होऊ शकला असता लेग बायचा इशारा पुन्हा एकदा अंपायर रमी रईस आपल्यापर्यंत आलेला आहे फारुख बट्टी आणि रमीज रईस सध्या तरी प्रमुख दोन अंपायर शकील कुट्टी आणि परेश महाजन थोडंसं त्यांनी ब्रेक घेतलेला आहे चार ऑफिशियल अंपायर सध्या तरी काम बघत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये आमच्या कॉमेंटर बॉक्समध्ये आज गरज आमचे स्कोरर मित्र रितेश सुमाल सुंदर त्यांची देखील स्कोरिंग आणि प्रिन्स मूवीचं टेलिकास्ट चेंडू हा देखील शिक्षा बरा असा बारंपारचा शहरा वाईट बॉलचा रवी गुळवी प्रथमेश आणि त्यांची पूर्ण टीम काम बघतीये आणि सुंदर टेलिकास्ट देखील सुरू आहे सकाळपासून आपण बघतो बरेचशा कमेंट्स आपल्याला या क्रिकेट टुर्नामेंटसाठी येत आहेत की खूप सुंदर नियोजन खास करून ग्राउंड अतिशय चांगलं आहे या ग्राउंडवरती वेगळीच मजा आहे खेळण्याची नेक्स्ट बॉल फटका हा देखील सुंदर आहे रन्स चांगला मिळतील दानिशन का बॅटिंग केलेली आहे सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आणि सिक्सरच्या मदतीने संघाची धाव संख्या फॉर्टी फोर चव्वेचाळीस धावा आय थिंक पहिल्या विकेटसाठी सगळ्यात मोठी भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते आत्ता तरी या एकूण चौथ्या मध्ये आपण आहोत आणि सगळ्यात मोठी भागीदारी आमिर आणि दानेशमध्ये संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती आहे फॉर्टी फोर चव्वेचाळीस दावा थोडासा बागपोटला साईल असेल ज्या अनुषंगाने बॅटिंग होती विकेट इथ नावी गेलेली आहे विक्टोरियन स्पोर्ट्स थोडासा बाकपोडला आहे मायरा स्पोर्ट्स जबरदस्त क्रिकेट खेळत असताना पुन्हा फुल टॉस आता तिकडे फिल्डर होता त्यांच्याकडे चान्स तो देखील गमावलेला आहे प्रयत्न चांगला होता डीपमध्ये स्कॉर्लक मध्ये आपल्याला फिल्डर पाहायला मिळाला एकूण षटका संपले त्यावेळेस तीन तीन ओव्हरचा केस संपलाय तीन वर्षा के मायरा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना रन्स आपल्याला पाहिल्यामध्ये स्कोर बोर्त आहेत फॉर्टी फाय चांगली बॅटिंग अमीर देखील करत आहेत त्याच्यासोबत बघतो आपण बारा बॉलमध्ये एकोणतीस दावा दानिशा बॅटमधून आणि सहा बॉल मध्ये अकरा दावा अमिरच्या बॅटमधून डिन्स ब्रेकर मैदानाच्या मध्ये डिन्स ब्रेक आदेश सेकंड स्पेलमध्ये बॉलिंग मागवती तीन ओव्हरच्या एक चांगली धावसंख्या मायरा स्पोर्ट्स पाहायला मिळते रन्सून पंचेचाळीस बिन गडी बाद दानेशने जबरदस्त बॅटिंग केलेली आहे विकेट येत नावी विक्टोनी स्पोर्ट्सला प्रयत्न सुरू होत एखादी विकेट मॅचमध्ये पुन्हा कंबाक होईल त्यासाठी त्यांचा विकेट टेकर बाजार आदेश चांगला हा चेंडू सुंदर टप्पा आणि वेरिशन चांगला पालामेला ऑपस्टिक मध्ये जास्त जास्त लैन ठेवण्याचा प्रयत्न आहे ऑन साइडला मोठे फटके बरेचसे मिडविकेटला स्केअर डेकला खेळले दानिशन त्यानुषंगाने आदेश आता आदेश देत असताना की आता पुन्हा कंबा करण्याचा प्रयत्न आहे पुढील चेंडू पुन्हा कधी कमी ऑन साइडला हा फटका चांगला मोठी चेस आहे फिल्डरला चेंडू गोलीच्या वेगानं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लेगला क्लिअर करत असताना चार धावा दानिशच्या बाट मधून नेक्स्ट बॉल यावेचा हा चेंडू चांगला आहे येत असताना डॉट आदेश देखील एक सायकर बॉलर आहे विक्टोरियन स्पोर्ट्स टीमचा विकेट टू विकेट त्याची आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते संघाची धावसंख्या जर आपण बघितली स्कोरबोर्ड एकोणपन्नास वरती आहे सगळ्यात मोठी भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी बघतो आपण आजच्या दिवसामध्ये बी सी पोर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी आतापर्यंत खास करून दानेश आणि अमीरनी जबरदस्त बॅटिंग केलेली आहे हा चेंडू पुन्हा पुन्हा टाकावा लागेल फारुख सरांचा सर आपल्यापर्यंत व्हाईट बॉल चाललेला पन्नास दावा फिफ्टी आप बाद पन्नास चांगली भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी महेंद्र स्पोर्ट चे कॅप्टन आणि चॅलेंज चे कॅप्टन आपण लगेचच संपर्क साधायचा आजच्या दुसऱ्या दिवस आपल्याला अंतिम मॅचचा टॉस करायचा फटका सुंदर रन्स देखील चांगला मिळतील दानेश जबरदस्त बॅटिंग करतोय आणि त्याच्या बॅटमधून अजून एक विस्फोटक हा मोठा फटका सिक्सर चेंडू द्या सिक्सरच्या मदतीने संघाशी दौसंख्या स्कोर बिरुद्धी रन्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत छप्पन्न दावा छप्पन्न आणि दानिशच्या आपण जर दावा बघितला तर न ते कोणचाळीस दावा नाबाद ना तो चेंडू खेळला सोळा चांगला चेंडू आदेश चांगली बॉलिंग केली आतापर्यंत विकेट टू विकेट बॉलिंग जरी मोठे फटके त्याच्या अगेन्स आले असतील मात्र मोठे फटके खेळण्यासाठी भरपूर प्रयत्न देखील दे करावा लागलेला आहे हा चेंडू आपण बघितला येतो डॉट बॉल संघाची धावसंख्या स्कोर विरुद्ध एकोण छप्पन धावा षडक क्रमांक चौथा मार्ग असते अजून याच्यानंतर दोन वर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे क्लायमेट जर आपण बघितला तर आता क्लायमेट थोडासा आपल्याला बदलताना पाहायला मिळतो दमट वातावरण आहे फटका फसला मिस्सामिंग जेलची संधी डाऊन टू बॉल फिल्डर महत्वाची विकेट फायनली इथनं मी इथे दानेशला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर मायरा स्पोर्ट्सला पहिला धक्का का बॅटिंग केली मैदानाश नाई कोणचाळीस त्याने बनवल्या अठरा बॉल मध्ये आणि नवीन बॅटर करण कदम न्यू मॅनिन हा देखील एक बॅटर बॉलिंग बॅटिंग दोन्हीही त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळत असते आणि बॉलिंग मार्कवरती बॉलर फ्रेश आपल्याला बॉलर पाहायला मिळेल बॉलिंग मार्कवरती साकीबच आहेत माफ करा पुन्हा कंटिन्यू केलेला आहे मध्ये एक षटक आपण बघतो जो आला होता तो साईलचा सा आला होता पुन्हा आदेशने बॉलिंग केली पाच ओवर मध्ये पुन्हा कंटिन्यू केलेला आहे साकिंगला सलामी वीर फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज आमिर फटका यावेचा सा सुंदर एंड डिलिव्हर जागेवर खडे खडे शॉट खेळाले आहेत कॉर्नर बाउंड्री बॉन्ड्रेलांच्या बाहेर सिक्सर क्लासिकल शॉर्ट होता दा। दानिश बाद झाले आता आमिरना आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे सिक्सरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या सिक्स्टी टू बासष्ट धाव धावपाल आहेत नेक्स्ट बॉल कमी केली गती चेंडूवाना बाटचा संपर्क आहे यस आहे सांगत असताना रमेश रईस सर आणि इथनं परतावा लागेल फलंदाजाला मग इतनाच्या बाहेर अमीर परतोय दुसरा धाका लागत असताना माय रास्पोर्ट टीमला खेळाडू बाद, नवीन बॅटर तॉसिब आलेत तॉसिब नवीन बॅटर चांगला चेंडू शाकिबचा समोर खेळलेत पुन्हा एकदा विषापण फटका आदेश तिकडे उपस्थित आहेत चांगली फिल्डिंग चेंडू एका एक साक्षरमध्ये असून फेक करेपर्यंत दावेत ना मी इथे एक सिंगल सिंगलच्या मदतीने संघाची दोसंख्या पुन्हा एक न जाते पुढे स्कोर बोर्डवरती रन सिक्स्टी थ्री या स्पर्धेची आम्ही चर्चा करतो सकाळपासून महत्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की या क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये बी सी फोर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये कुठल्याही प्रकारची प्रवेश बी घेतली नाही बघा किती चांगलं हो नियोजन एवढं सोपं नसतं विदाउट हो एंट्री क्रिकेट टुर्नामेंट बनवणं सोपी नाहीये त्याच्यामध्ये एवढं सुंदर टेलिकास्ट ऑफिशियल अंपायर समालोचक अशी सुंदर ग्राउंड जो अतिशय सुंदर आहे जेवढं कौतुक करावं आमच्या बीसी पोर कमिटीसाठी तेवढं कमी आहे खरा हवे चेंडू खऱ्यांसाठी परवणी होती आणि ती स्वीकारत असताना पाठवला चेंडू कदमच्या पाठमधून हा विस्फोटक फलंदाज आक्रमक शॉट खेळले प्रचंड दाखवते त्या फटक्यामध्ये आणि सिक्सरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या सिक्स्टी नाईन एकोणसत्तर पुन्हा त्या दिशेनं खेळ असं होता आता लेंथ आपण बघतोय थोडीशी मागे ठेवली आणि त्याचा फायदा होत असताना दावीत एक सिंगल नक्कीच मेल करेनला आणि एका दहावीच्या मदतीनं मायरा स्पोर्टची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती सिकून झालेल्या आहेत सत्तर दावा झालेला आहेत अजूनही जुनी याच्यानंतर एका षटकाचा खेळ बाकी आहे म्हणजे एटी एटी फाय नाईन्टीपर्यंत कदाचित इथनं प्रयत्न असावा मायरा स्पोर्ट्सचा विक्टोरियन स्पोर्ट्स प्रयत्न करेल इथनं काहीच्या विकेट्स घेतल्या तर त्या दावा वेगानं पुढे चाललेल्या त्या दावा इथं कमी होऊ शकतील तसा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे नेक्स्ट बॉल पुन्हा ऑन साईडला फटका तर चांगला आहे मध्ये प्रोटेक्शन चांगली फिल्डिंग चेंडू एका सक्शन मध्ये असून फेक करेपर्यंत दावीतनं मिळते एक सिंगल षटक्यावेळी संपत बघतो आपण पाच पाच ओवरचा केस संपलाय आणि पाच ओवरचा केस पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना मायरा स्पोर्ट्स इलेव्हन या टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते सेव्हन्टी वन एकाहत्तरला दोन अशी परिस्थिती सध्या तरी या मॅचमध्ये ऑल इज वेल आहे मायरा स्पोर्ट्स चॅलेंज स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि महेंद्रा स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आपण वेळ नाही घेता लवकरात लवकर आपल्याला आमच्या मॅस व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित राहायचं आहे पुढच्या मॅचचा टॉस आम्हाला करायचा आहे प्लीज सहकार्य करावा कॅप्टन उमर बॉलिंग मार्कवरती पहिलाच बॉल विकेट मिळून देईल का उमरला आणि मिळाली विकेट परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बार डेड सुरुवात उमरनं चांगली केलेली आहे दक्का लागत असताना मायरा इलेव्हन स्पोर्ट्सला तिसरा एकाहत्तर ला एका तीन पुन्हा जेलची संधी फिल्ड तिथं पोहोचलाय आणि अजून एक विकेट काय कम केला उमरनं बॅक टू बॅक इथनं विकेट येतात आणि या महत्वाच्या विकेट आहेत डेट टू वर मध्ये अजयगरच रन सणं गरजेचं आहे मग ते विकेट येतात आणि पुन्हा एकदा व्हिक्टोरियन स्पोर्ट्सनं या मॅच मध्ये कंबर कसलेली आहे बॅक टू बॅक दुसरा धक्का एकाहत्तरला चार अशी परिस्थिती फलंदाजबाद काय कमबॅक केला म्हणजे बघतो आपण खास करून उमरनं जी बॉलिंग केलेली बॅक टू बॅक त्यानं दोन विकेट पहिली विकेटसाठी आपण प्रेम चव्हाण बघितली होती मग उमर तसं काय कारनामा करतो का मॅच मध्ये फक्त दिशा दिलेली आहे खाली क्षेत्रामध्ये खेळत मोठी चेस ए फिल्डर साठी चेंडू तिकडे थांबवणं सोपं असेल एवढी चांगली फिल्डिंग बघा एवढं सोपं नव्हतं चेंडू जेव्हा फाईन लेग मध्ये येतो किंवा मध्ये जेव्हा जेव्हा चेंडू मी बघितलेला आहे इझी जात नाहीये चेंडूला थांबवणं किंवा रोखणं जानुषंगानं अनुषंगानं आउटफील्ड या मैदानावरती आहे सुंदर कमेंट आपल्याला पाहायला मिळते आहे विक्टोरियन टीमचे टीम सध्या तरी या क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये बीसी फोर चॅम्पियन ट्रॉफी आपण एन्जॉय करतोय <laughs> मोनी जाधवची चांगली फिल्डिंग तिकडे <laughs> नेक्स्ट बॉल हा <laughs> चेंडू वेगान टाकण्याचा प्रयत्न चेंडू ऑपस्टिकच्या बऱ्याच्या बाहेर येत असताना व्हाइट बॉल सेव्हन्टी फोर सेवन्टी फोर चार खेळाडू बाद आणि अजूनही बघतो आपण षटकातील चेंडू शिल्लक आहेत तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि जावेद जावेद चेक साकिंगला कमी केली गती फटकावेत के खेळल्या टायमिंग बघावा लागेल प्रयत्न चांगला होता मग चेंडू मिडविकेटला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आला हा सिक्सर जावेदच्या बाटमधून चांगला फटका नेक्स्ट बॉल अजून एक फटका चांगला वन सगेन हा ऍक्शन रिप्लाय मैदानाच्या आतमध्ये का बॅटिंग होती या फटक्यांची गरज होती ते फटके जावेदच्या मधून बाक टू बाक आक्रमक शॉट आणि हे सिक्सर आलेले आहेत टू बाक, बाक दोन आणि या सिक्सरच्या मध्ये तिने संघाची धावसंख्या संख्या एटी सिक्स काय क्रिकेट खेळलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम खेळ होत असताना पाक टू पाक दोन विकेट घेतलं असं वाटलं की हा षटक छोटासा राहील उमरचा त्याच्या नंतर फलंदाजी जावेद करत असताना नेक्स्ट बॉल पुन्हा खोटप्पाचा आहे यावेचा फटका पुन्हा बॅक टू बॅक हा तिसरा आपल्याला बाउंड्रीच्या बाहेर पहायला मिळेल जबरदस्त फिनिश काय फिनिश केला जावेद ना। एकूण रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात स्कोअर बोर्ड वरती नाईन्टी टू नाईन्टी टू नाईन्टी थ्रीचं मोठं टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी विक्टोरियन स्पोर्ट्स या टीमला चला आपण करूया पुढच्या मॅचचा टॉस चला आपण टॉस करूया आणि इम्ताज पापांना विनंती आहे एक अप्रतिम असे खेळाडू अप्रतिम असे क्रिकेटर त्यांना विनंती आहे की आपण आमच्या टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे महत्त्वाची मॅच आजच्या दिवसातील ही निर्णायक मॅच आहे आणि एक चांगलं क्रिकेट तुम्हाला या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल महिंद्रा स्पोर्ट्स दुसऱ्या बाजूने आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स टॉसची आम्ही माहिती करून देतोय काटा दुसऱ्या बाजूने छापा आहे ओके कोणाची कॉलिंग आहे चला प्रेम चव्हाण कॉलिंग करतील यस हेड असा कौले आणि हेड आधी आहे यू सो मच so पप्पा आपण पुन्हा एकदा विराजमान व्हायचा आहे मॅच आनंद तर थोडक्यात आपण प्रेम चर्चा करू थोडक्यात जास्त मोठी आपल्याला चर्चा करायची नाही टॉस जिंकलेला आहे का काय निर्णय फिल्डिंग करणार फिल्डिंग करणार आहात जो, जो स्कॉट खेळला पहिल्या मॅचमध्ये मध्ये तोच असणार आहे की या महत्वाच्या मॅचमध्ये मध्ये काही चेंजेस आम्हाला पाहायला मिळतील एक चेंजेस आहे पप्प या खारी अच्छा आणखी शुभेच्छा तुम्हाला विजयासाठी सचिन टॉस महत्वाचा होता हो, हो नक्कीच फिल्डिंग आम्ही पहिली मॅचला केली होती तर टॉस इम्पॉर्टंट होता आमच्यासाठी जिंकला असतं तर काय निर्णय फिल्डिंगच केली असती हो बॅटिंग करायची पहिल्या मॅचमध्ये शंभर टक्के दिला असं वाटतंय तुझ्या टीमला ऍज अ कॅप्टन म्हणून काय सांगशील की काहीशा गोष्टी थोड्या फार कमी पडलेल्या आहेत पहिल्या मॅचमध्ये हो नक्कीच मातीची विकेट होती आणि आणि जे काही चुकी केली असेल त्यांनी आता ते सुधारण्याचा प्रयत्न असेल आमचा आणि चांगल्या खेळण्याचा प्रयत्न असेल जो स्कॉट चॅलेंजचा खेळला तोच आहे की पुन्हा याच्यामध्ये काही चेंजेस आम्हाला पाहायला मिळतील पवन नाही आहे पवनच्या जागी आम्ही एक प्लेअर करणार आहे शुभेच्छा तुम्हाला यासाठी टॉस झालेला आहे टॉस महिंद्रा स्पोर्ट्स जिंकून प्रथम त्यांनी फिल्डिंग घेतलेली आहे आणि चॅलेंजला मोठं चॅलेंज आहे ते करणार आहेत पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग आपण अजिबात वेळ नाही जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट बॉक्स मध्ये ओटी यू आज घरात धन्यवाद राहुल और स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का बी सी फोर प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी दो हजार तेईस में धुआधार विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी इस मैच में हमें देखने को मिली है जी हाँ ये चौथा मैच माहिरा स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में माहिरा स्पोर्ट्स ने टॉस गवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की और क्या कमाल की पारी रही दानिश काजी की जिन्होंने 18 गेंदों पर उनतालीस रन बनाए और पारी का खात्मा जावेद ने अपने ही अंदाज में किया लगातार तीन छक्के जड़े पारी की आखिरी तीन गेंदों पर चार गेंदों में बीस रन बनाकर नाबाद रहे जावेद जिसके चलते बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा किया गया है कुल मिलाकर टू बानवे रन बनाए गए हैं चार विकेटों के नुकसान पर और तिरानवे रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के सामने सो इट लुक्स लाइक अ डाउंटिंग टारगेट फॉर देम एंड हैव टू बैट रियली वेल टू गेट दिस 93 थ्री रन पारी की शुरुआत होने जा रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के ओर से सलामी बल्लेबाज क्रिसपर उमर खान और उनके साथ मोहित गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करेंगे अक्षय कोहली पिछले कुछ दिनों में अक्षय कोहली का वजन थोड़ा सा बढ़ गया है उमर खान उनके सामने पहली गेंद स्लॉट में जेदार शॉट छह रन मिलेंगे पहली गेंद पर तगड़ा प्रहार उमर खान ने कर दिया है ऐलान कि इसी तरह से बल्लेबाजी होगी और जरूरत भी है आक्रामकता दिखानी होगी क्योंकि तिरानवे रन जो बनाने हैं छे ओवर्स में जीतने के लिए सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए उमर खान देखिए स्लॉट में गिरी है गेंद आडे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से छह रनों के लिए उमर खान जानते हैं कि शुरुआत से ही बोलर के ऊपर अटैक करना होगा और जो पावर प्ले का खेल है पहले दो वर्ष उसको जरूर अच्छे से इस्तेमाल में लाना होगा पावर प्ले को यदि मैक्सिमाइज किया जाता है तीस पैंतीस रन पावर प्ले के दौरान बल्लेबाज बना लेते हैं तो जरूर ये मैच काफी अच्छा यहाँ से देखने को मिल सकता है रोमांचकारी मैच हो सकता है लेकिन देखना है उतने रन बल्लेबाज बना पाते या नहीं कोहली चले यॉर्कर का प्रयास इस बार अपील हो रही है लेकिन बल्ला लगा है अंपायर का मानना है और ये चार रन गैप में निकाल दिया गेंद को अच्छी तरह से स्वीप किया हालांकि गेंदबाज अपील कर रहे थे लेग बिफोर के लिए बैकवर्ड स्क्वायर स्क्वाग क्षेत्र में जहां पर गैप है वही से गेंद को खेला फाइनल लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है जोखिम भरा था यह स्ट्रोक देखिए लो फुल टॉस और आज हमने देखा है चार से पांच बल्लेबाज स्वीप खेलने के चक्कर में या तो एल डब्ल्यू या फिर बोल्ड आउट हुए है लेकिन इस बार बल्ला लगा था अच्छा फैसला अंपायर रमीज रईस का पहली गेंद पर छक्का दूसरी गेंद पर चौका रन संख्या दस बगैर नुकसान के अपने तीखे तेवर दिखाते हुए पहली गेंद से उमर खान उमर खान के लिए थोड़ा सीधा रखा गया है एक शॉर्ट मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है ऑफ साइड में लेकिन ऑन साइड को फेवर करते हुए आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर जज तो कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं है डिप स्क्र लग के ऊपर से इस बार रन लपेट के मारा है अब की बार ऑफ स्टम के बाहर की गेंद अक्रॉस द लाइन बैट का स्विंग देखते ही बन रहा है फुल स्विंग ऑफ द बैट हालांकि ऊंचाई इतनी थी कि शायद एक लम्हे के लिए लगा कि कहीं ये कैच तो नहीं बनेगा फील्डर भी उसी उम्मीद में थे लेकिन बहुत पीछे फील्डर के बहुत ऊपर से गेंद चली गई है कोई अवसर नहीं था बड़े स्ट्रोक्स में डील करते हुए उमर खान ऐट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के और अब गेंदबाज एंगल बदलने पर मजबूर हुए हैं अब राउंड द विकेट जाते हुए अक्षय बढ़िया गेंद ओहो इस बार फाइन खेल दिया है शॉर्ट फाइन के बगल में से अब की बार चार रन जोखिम उठा रहे हैं खतरा मोल लिया लेकिन उसका सिला भी मिला इनसाइड एज लगा था हालांकि इस स्ट्रोक में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था लेकिन किस्मत का सहारा मिला है तेज तर्र शुरुआत विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से उमर खान की ओर से स्कोर तो बहुत मजबूत बनाया है मायरा स्पोर्ट्स ने लेकिन यह स्कोर महफूज रहेगा या नहीं ये एक बड़ा सवाल अब बना हुआ है इस बार देखिए थ्रू द दे लाइन सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए एक और छक्का अब अक्षय कोहली को समझ में नहीं आ रहा कि गेंदबाजी करे तो कहां पर करे ये उनसे थोड़ा दूर भी रखा था लेंथ भी हम देखे तो बिल्कुल उनके पाले में गेंद नहीं थी लेकिन ये विकेट इतना अच्छा है कि इस विकेट पर आप ऑन द राइज भी अच्छे शॉट्स खेल सकते हो कई बल्लेबाजों को आज हमने देखा है सुबह से ही और अच्छे रन बन रहे हैं हर मैच में पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली स्वयं इलेवन ने छियासठ रन बनाए थे उसके बाद महेंद्रा स्पोर्ट्स ने छियानवे रनों का पहाड़ खड़ा किया था पिछले मैच में पचहत्तर रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बनाए थे हालांकि जब बड़ा टोटल बनता है तो उसको चेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है चैलेंज ने जरूर छियासठ रन जो थे उसको चेज किया था उसके बाद चेज करने वाली टीमें हारी है इस मैच में बढ़िया शुरुआत उमर खान द्वारा इस बार तेज गेंद थी लेकिन लिक्सटम के थोड़ी सी बाहर वाइट का इशारा देखिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है क्लोज इन फील्डर वहां पर सिली कवर पॉइंट की दिशा में रखा गया है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का प्रयास लेकिन ये रणनीति कितनी सफल साबित होगी ये देखने वाली बात है उमर खान को हमने देखा है जितने भी रन उन्होंने बनाए हैं ऑन साइड में अभी तक बनाए हैं इस बार स्वीप किया हवा के रास्ते हवाई फायर और गेंद मैदान के बाहर छह रन क्या ये सबसे महंगा ओवर है तैतीस रन जी हा अभी तक का आज के दिन का ये सबसे खर्चीला ओवर पहले ओवर की समाप्ति लो फुल टॉस गेंद थी स्टम्स की तरफ लेकिन बढ़िया संपर्क बनाया दाइना घुटना नीचे ज, विकेट पर जमीन पर टिकाया उन्होंने और केवल दिशा दिखाने का काम किया इस बार ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था लेकिन टाइमिंग गजब की उमर खान की और यह खासियत है उमर खान की बल्लेबाजी की जबरदस्त आकर्षक शुरुआत दी है उमर खान ने विक्टोरियन स्पोर्ट्स को एक ओवर का खेल समाप्त स्कोर तैंतीस रन बिना किसी नुकसान के आप देख रहे हैं इस समय बी सी फोर प्रेजेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्री एंट्री टूर्नामेंट है जी हाँ किसी भी टीम द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया गया है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए और कुल मिलाकर भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी की 16 टीमें शिरकत कर रही है बी -सी इस बीसी फोर प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी दो में बीसी फोर कमेटी के अध्यक्ष अमोल पाटिल साहब माजी अध्यक्ष अलताफ बाली साहब और उनकी पूरी जो टीम है उनके सारे जो मेंबर्स है उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हम है इस समय भिनार में डीडी ग्राउंड पर खूबसूरत ग्राउंड है खूबसूरत नजारा मैदान के इर्द गिर्द हरे भरे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं जो इस मैदान की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं और पिछले आधे घंटे से हम देखें तो मौसम ने भी करवट ली है आसमान में थोड़े सफेद बादल नजर आ रहे हैं जिस वजह से कड़क धूप मैदान में नहीं है लेकिन पर्याप्त रोशनी है खेल होने के लिए और चमकदार बल्लेबाजी सही मायनों में उमर खान की देखने को मिल रही है छह गेंदों का सामना किया है बत्तीस पर बैटिंग करते हुए उमर खान और अब स्ट्राइक मोहित के पास मोहित बायत के बल्लेबाज है नेवर लेकर उमेश तरे खेल दिया है गैप ढूंढा है कम से कम दो तो मिल ही जाएंगे आउटफील्ड बहुत अच्छी है शायद चार भी मिलेंगे जी हाँ चौका बैकवर्ड ऑफ पॉइंट एक खिलाड़ी ऑफ साइड में और एक खबर में फील्डर था दोनों के बीच में से बहुत खूबसूरती के साथ गैप ढूंढा पहली गेंद पर इंप्रोवाइजेशन यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज मोहित मोहित एक युवा खिलाड़ी है ग्रामीण क्रिकेट में खांड पे टीम के लिए खेलते हैं आज अच्छा मौका है उनके पास उनके पार्टनर ने तो धुआधार शुरुआत की है और चौके से मोहित ने खाता खोला है यह अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन बल्ले पर ले नहीं पाए लेकिन लेग बाइस के जरिए रन मिला है एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अड़तीस रन बगैर नुकसान के पारी की शुरुआत में जो आवश्यक रन रेट था वो पंद्रह के ऊपर था पंद्रह दशमलव पाँच शून्य रन प्रति ओवर लेकिन उसको पहले ही ओवर में काफी नीचे ला दिया है उमर खान ने अंदाज में बैटिंग की है छोटे कद के खिलाड़ी है उमर खान लेकिन क्या बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं पावर प्ले का यह दूसरा और आखिरी ओवर तीन खिलाड़ी बाउंड्री पर तीनों भी ऑन साइड में क्योंकि पहले ओवर में ऑन साइड में ही उन्होंने काफी बड़े बड़े प्रहार किए थे डिप स्क्वेरिश मिड विकेट है एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है और एक डिप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे बीट हुए लेकिन दिशाहीन गेंद अंपायर का वाइट का इशारा स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर उनतालीस पर पहुंचता हुआ मैंने चर्चा की थी पारी की शुरुआत में ही कि पावर प्ले को यदि मैक्सिमाइज़ करते तीस पैंतीस रन यदि बनते हैं तो अच्छा मैच रहेगा लेकिन अब लगता है कि शायद पचास के करीब या फिर उससे ज्यादा भी बन सकते हैं आगे निकले थोड़ा रूम बनाने को देख रहे थे फिर से वाइड है उमेश तरे एक बहुत अच्छे बॉलर है और ये एकमात्र बॉलर है जहां तक हमने देखा है जिन्होंने छह गेंदों पर छह विकेटें चटकाई है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हालांकि वो कारनामा किया था ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में ग्रामीण क्रिकेट में हम देखे तो खारबाव टीम के लिए खेलते हैं जानता राजा खारबाव टीम उनकी टीम है फुल टॉस है इस बार थोड़ा मिस एट हवा में मौका बना है और लपक लिया है कैच फील्डर ने जबरदस्त कैच आमिर वहां पर पहुंचे क्या शानदार कैच लपका है ये बहुत मुश्किल अवसर था इस बार थोड़ा जोर से खेलने चले गए थे और इसी वजह से शायद वो टाइम नहीं कर पाए बल्ले की बीचों बीच नहीं ले पाए और ऊंचाई ज्यादा रही और क्या दर्शनीय कैच लगभग वो लॉन्ग लेग की दिशा में मौजूद थे और स्क्वेयर लेग क्षेत्र में जाकर कैच को अंजाम दिया है जबरदस्त रनिंग कैच आमिर द्वारा और इसी तरह के कुछ करिश्माई फील्डिंग की आवश्यकता थी उमर खान को आउट करने के लिए क्योंकि उमर खान बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छा स्टार्ट देने के बाद उमर खान लौटते हुए पेविलियन में उमर खान ने बनाए बत्तीस रन और टीम का टोटल इस समय 40 रन एक विकेट के नुकसान पर काम कुछ हद तक जरूर आसान किया है उमर खान ने आने वाले बल्लेबाजों का फ्लाइंग स्टार्ट दिया है उन्होंने पावर प्ले में अभी भी तीन गेंदों का खेल बाकी है यानी कि कुल मिलाकर 27 गेंदे इस मैच में शेष है और 27 गेंदों पर तिरपन रनों की जरूरत है विकेट मिला है और नए बल्लेबाज अब क्रीज पर तो इसका जरूर फायदा उठाना होगा गेंदबाज उमेश तरे को हालांकि जिस गेंद पर उमर खान आउट हुए जरूर उमर खान भी थोड़े से निराश रहेंगे क्योंकि इतनी भी सटीक गेंद नहीं थी कि वो अपना विकेट गवा देते नए बैट्समैन मोनिश यादव ड्राइव करने का प्रयास बाहरी किनारा फ्लाई स्लिप में फील्डर तैनात अच्छी फील्डिंग हालांकि रन लेने से तो नहीं रोक पाए हैं बल्लेबाजों को अच्छी सोच की गेंदबाजी नए बैट्समैन को ड्राइव करने के लिए आमंत्रण आमंत्रण दिया था लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था विकेट कीपर के लिए कोई मौका भी नहीं था जरूर बैट का बाहरी किनारा गेंद ने लिया था सिंगल से खाता खुला है मोहनित यादव का चार पर बैटिंग करते हुए मोहित दो गेंदों का सामना किया है रन संख्या 41 वन इकतालीस एक विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी के लिए विकेट बहुत अच्छा है और गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ रही है खूबसूरत गेंद फुलर लेंथ आपकी बार गलत लाइन पर खेल बैठे सामने की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास जरूर था मोहित का इस ओवर की शुरुआत हुई थी चौके के साथ लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी हुई है खासतौर पर विकेट जो मिला है बहुत बड़ा विकेट उमर खान का और इस बार शॉर्ट फाइनले को बीट करने का प्रयास कमजोर गेंद थी बढ़िया एफर्ट फील्डर का तोसीफ वहां पर शॉर्ट फाइनले की दिशा में निश्चित रूप से तीन रन बचाए गए हैं वहां पर तोसीफ द्वारा गेंद काफी तेजी से ट्रेवल हो रही थी देखते रीप्ले में फुल टॉस गेंद थी सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले का किनारा लगा और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉप वहां पर काफी चुस्त और नजर आए तो सिंगल मिला है इस गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त स्कोर हुआ है बयालीस रन एक विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में ये बड़ी भिडंत है माहिरा स्पोर्ट्स ने ओवर में बानवे रन बनाए 92 और तिरानवे रनों का पीछा करते हुए ये शुरुआत जो है वो लाजवाब है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की 42 फॉर फोर वन बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट स्कोर हुआ है बयालीस रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर के पश्चात चार ओवर में अब इक्यावन रनों की आवश्यकता है आस्किंग रेट जो है वो तेरह से भी थोड़ा नीचे है जो कि पारी की शुरुआत में पंद्रह दशमलव पांच शून्य रन प्रति ओवर का था हालांकि पहले ओवर में तैतीस रन आए थे लेकिन दूसरा ओवर अच्छा घटा करण कदम की पहली गेंद लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं विकेट मिलता हुआ पहली गेंद पर करण कदम को अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के सामने वहां पर फैजू द्वारा अच्छा जजमेंट और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी शुरुआत दमदार मिली है लेकिन उसको आगे लेकर जाना बहुत जरूरी जो मोमेंटम प्राप्त करके दिया अपनी टीम को पहले ओवर में खासतौर पर उमर खान ने उसको जारी रखना जरूरी है लेकिन वो मोमेंटम यहां पर गवाती हुई नजर आ रही है टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं बत्तीस रन बनाए उमर खान ने और केवल पांच रनों का योगदान दे पाए मोहित बड़ा स्कोर जब आप चेज करने के लिए उतरते हो तो ये एक समस्या जरूर रहती है कई बार आपको अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता है लेकिन उसको बरकरार रखना यह बहुत बड़ी चुनौती होती है हर ओवर में आपको तेज़ गति से रंस बनाने की ज़रूरत होती है हालांकि उमर खान ने काम काफ़ी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आसान करके दिया है लेकिन अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की यह जिम्मेदारी है कि वो सूझबूझता से बल्लेबाजी करे और अपनी टीम की जो नैया है उसको किनारे लगाए करण कदम अक्सर चर्चा में रहते हैं विकेट टेकिंग एबिलिटी के चलते और पहली गेंद पर विकेट मिला है बैट्समैन अल्ताफ शेख ये खतरों के खिलाड़ी है अच्छा ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद ओहो हेजिटेशन है डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हो जाता है यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर मोनी यादव का शायद गेंदबाज के भी हाथ में गेंद आती तो भी मौका बन सकता था किस्मत अच्छी है मोनी यादव की सीधे ऑफ के पास ड्राइव किया था इस गेंद को तीनों स्टम्स सामने थे फील्डर के लिए लेकिन निशाना चूक गया है अरफात थे फील्डर अब की बार ऑफ स्टम के बहुत ज्यादा बाहर व्हाइट का इशारा अल्ताफ शेख अपने इम्प्रोवाइज क्रिकेट के लिए काफी मशहूर है और कई तेज पारियां खेल चुके हैं घंटों का काम मिनटों में करते हैं लेकिन जितना अच्छा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलते हैं उतने अच्छे वो सीधे बल्ले के साथ भी स्ट्रोक्स खेलते हैं ये देखिए अब की बार लेंथ बॉल उठा के खेला और छह रन इनके पास सारे स्ट्रोक्स है सिर्फ सवाल यह बना रहता है कि कितनी देर क्रीज पर टिके रहेंगे ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक गए तो आप समझिएगा कि ये मैच वो लेकर जा सकते हैं विपक्षी टीम से दूर सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए यह स्ट्रोक बताता है कि विकेट कितना अच्छा है कितनी अच्छी तरह से गेंद बल्ले पर आ रही है ऑन द राइज आप बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हो यॉर्कर का प्रयास था रफ्तार अच्छी थी लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है अंपायर रेस का वाइट का इशारा और इसके चलते 50 रन पूरे होते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के काफी तेज गति से 50 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं बल्लेबाजों ने केवल तीसरा ओवर चल रहा है इस समय यहां से 21 गेंदे और 43 रन यह है समीकरण फिर से लेगस्टम्प लेग स्टम्प उड़ाने की कोशिश हो रही है लेकिन लगातार लेग स्टम्प के बाहर भटक रहे हैं और ये रन देखिए अंत में जाकर काफी चुप सकते हैं मायरा स्पोर्ट्स को एक एक रन की अपनी बड़ी कीमत होती है क्रिकेट के खेल में खासतौर पर जब आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो वहां तो समय भी कम रहता है ओवर का मैच है हर गेंद महत्वपूर्ण है हर रन महत्वपूर्ण हर विकेट काफी क्रुशल है इस बार बेहतर लाइन पर रखी हुई गेंद लॉक्ट कर दिया है बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी जिस वजह से वो लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए एक रन लेने का मौका वहाँ पर अल्ताफ शेख के पास तो बल्लेबाजी की जो है उसमें काफ़ी गहराई भी है हम देखें तो इसके बाद भी अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है और अल्ताफ शेख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस समय रन संख्या बावन दो विकटों के नुकसान पर इकतालीस रन चाहिए बीस गेंदों का खेल बाकी है मायरा स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से हम देखें तो एक अच्छा ओवर यदि घटता है उनके लिए एक इकोनॉमिकल ओवर भी होता है तो फिर उनके चांसेस बढ़ सकते हैं जीतने के लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि बराबरी पर खड़ा ही है ये मैच पुल करने का प्रयास मिस्टाइम स्ट्रोक हवा में फील्डर दूर से आते हुए जबरदस्त एफर्ट लेकिन कैच नहीं कर पाए और आउट का भी अवसर बन रहा था लेकिन उसको भी बुना नहीं पाए है खिलाड़ी तो दो रन यहां पर आखिरकार पूरे होते हुए मुनीष जादव किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं इससे पहले रनआउट होते होते बचे थे और अब कैच ड्रॉप हुआ हालांकि कैच उतना आसान भी नहीं था खिलाड़ी बाउंड्री से आए थे लगभग सर्कल की तरफ दौड़ लगाई थी उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा से पहुंच भी गए थे लेकिन हाथों से छिटकी गेंद अंतिम क्षणों में तो किस्मत जरूर थोड़ी मेहरबान नजर आ रही है मुनीष पर उसका कितना वो लाभ उठा पाएंगे देखने वाली बात है फिलहाल तीन पर बैटिंग करते हुए पर है अगली से स्कोर उछलता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का साठ रन दो विकेटों के नुकसान पर क्या कमाल का यह रिप्लाई है तिरानवे रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा यह बिल्कुल जूसी फुल टॉस थी फ्रेंडली फुल टॉस और उसको आसानी से स्विंग किया है मिड विकेट स्क्वेयर लेग के दरमियान से छह रनों के लिए तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है रन संख्या साठ दो विकटों के नुकसान पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स यानी कि बचे हुए तीन ओवर्स में केवल अब तैंतीस रन चाहिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए करण कदम का ओवर भी काफी खर्चीला रहा 18 रन खर्च के उन्होंने विकेट जरूर प्राप्त किया लेकिन अब विकेट के साथ साथ आपको रन भी रोकने हैं किफायती बॉलिंग की आवश्यकता है साठ बने हैं तैतीस और चाहिए तीन ओवर में ही साठ रन बना लिए हैं बल्लेबाजों ने गजब की बैटिंग और अब माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन सोच रहे होंगे कि और कितने रन बनाने चाहिए थे हालांकि मैच खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन की बॉलिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसी अनुशासित बॉलिंग देखने को नहीं मिली है केवल दूसरा ओवर उनके लिए अच्छा घटा पहले ओवर में तैतीस रन तीसरे ओवर में अट्ठारह रन दूसरे ओवर में सिर्फ नौ रन आए थे और उसमें एक विकेट भी मिला था उमेश तरे ने वो ओवर किया था जिसमें उन्होंने आउट किया था उमर खान को अब आवश्यक रन रेट 11 रन प्रति ओवर अल्ताफ शेख की बल्लेबाजी में खासतौर पर पिछले दो सीजन हम देखे तो बहुत सुधार भी देखने को मिला आजकल हम देखते हैं कि वो मैच को भी लेकर चलते हैं कई ऐसी पारियां उन्होंने खेली जहाँ पर वो क्रिस पर टिके रहे मेक श्योर sure किया कि अपनी जीत को अपनी टीम को जीत की रेखा के पार पहुँचाए ना सिर्फ सिटी क्रिकेट में बल्कि उनके ग्रामीण की टीम के लिए भी टिम्बोली टीम के लिए भी उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा, 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 रहा। बॉलिंग में एक और चेंज आक्रमण पर थोड़ी जगह बनाई ड्राइव करने का प्रयास था बैट का सिरा लगा है वहां पर, पर एक रन मिलेगा मोनिश यादव को सॉरी अलताफ को अलताप ने इस गेंद का सामना किया था अब मोनिश के पास है स्ट्राइक अलताप खेलना चाहते थे कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ संभव था एक किफायती ओवर की आवश्यकता मायरा स्पोर्ट्स को फिर से बैट का बाहरी सिरा लगाए आपकी बार फील्डर से रुकेगी नहीं गेंद चार रन गली की दिशा से होती हुई बहुत तेज निकल गई ने प्रयास जरूर किया था लेकिन उनको चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए देखिए बैट्समैन का ज्यादा इरादा तो नहीं था मेरे ख्याल से वहां पर खेलने का लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है बैट्समैन के लिए रंस जैसे भी आएंगे कबूल है यहाँ पर आ, विक्टोरियन स्पोर्ट्स को कोई दिक्कत नहीं और रिवर्स खेलने का प्रयास स्विच हिट लगाना चाहते थे अच्छी गेंद विक्की की लेफ्ट आर्मर है दाइनेथ के बैट्समैन है उनके सामने और वो एक सोच है बैट्समैन की कि एंगल जो है ऑप्स्टम के बाहर लेकर जाएगा गेंद को इसीलिए विद द एंगल खेलने का प्रयास किया था स्विच हिट करने की कोशिश की थी लेकिन अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद छकाया बैट्समैन को वहां पर विकी ने स्कोर पैंसठ रन दो विकेटों के नुकसान पर तिरानवे रनों की चुनौती इस बार सफल करते हुए हवा में गेंद फील्डर उसके नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच ड्रॉप कैचेस का मौका तो आ रहा है लेकिन उसको बुना नहीं पा रहे फील्डर पिछले ओवर में भी एक कैच ड्रॉप हुआ था और इस बार भी कैच ड्रॉप हुआ है ऐसे लग रहा है कि मोनिश जो है वो घर से निकलते हुए किस्मत से हाथ मिलाकर आए हैं बार बार उनको मौके मिल रहे हैं लेकिन फील्डर्स का जो योगदान अभी तक कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक कहा जा सकता है मायरा स्पोर्ट्स के लिए अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस लेकिन कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं स्कोर छियासठ रन दो विकेटों के नुकसान पर चौदह गेंदों का खेल शेष अभी भी सत्ताईस रनों की जरूरत इस बार बॉल। स्वीच हिट करने की कोशिश इस स्ट्रोक में काफी माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ये स्ट्रोक खेलते हुए आउट भी हो जाते हैं इस मैच में वही हुआ है लाजवाब गेंद है फुल रखा था थोड़ा सा और बिल्कुल स्टम्स की तरफ स्टम्स को निशाना बनाते हुए अल्ताफ बहुत जल्दी अपना स्टांस चेंज कर चुके थे और पूरी तरह से चुक गए वहां पर तो अलताब शेख की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम ये विकेट जो मिला है ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच का हालांकि भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है लेकिन मैच जो है वो बड़ा ही रोमांचक स्थिति में बना हुआ है स्कोर छियासठ रन तीन विकेटों के नुकसान पर और यहां से तेरह गेंदों में चाहिए सत्ताईस रन इस मैच को जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को तो आखिर विक्ट्री किसकी होगी काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग ये सवाल दर्शक भी जरूर खुश रहेंगे ये खेल देखकर दर्शक भी चाहते हैं कि रोमांचक मैचेस उनको देखने को मिले तेज़ हवाएं बहती हुई इस समय भिनार के डीडी ग्राउंड के ऊपर से और ये हवाओं का रुख भी दिलचस्प रहता है खासतौर पर क्रिकेट के खेल में कई बार बल्लेबाज विद द विंड भी जाने का प्रयास करते हैं और कई बार आपकी जो ताकत होती है वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है अलताफ़ के साथ ये कई बार होते हुए हमने देखा है स्विच हिट उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है लेकिन वो काफी घातक स्ट्रोक रहता है नए बैट्समैन अरमान अरमान युवा खिलाड़ी और काफी क्रंच सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए आए हैं बढ़िया गेंद इस बार बहुत अच्छा कैच जावेद द्वारा गेंद उनके ऊपर से जा रही थी पहले प्रयास में छलांग लगाई गेंद हाथ से छिटकी भी लेकिन दूसरे प्रयास में कैच किया है और अरमान के अरमान पूरे होते हुए खाता भी नहीं खोल पाए अरमान छियासठ पर चार विक्टोरियन स्पोर्ट्स ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे खड़े खड़े ही खेलने का प्रयास था बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद लेकिन यहाँ पर जावेद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम जावेद सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम के स्टम्स के पीछे अच्छा कार्य करते हुए ओवर यहां पर खत्म होता हुआ विक्की ने वापसी कराई है पूरी तरह से अपने टीम की इस मैच में कमाल का ओवर घटा उनका सिर्फ आठ रन खर्च किए और दो विकेट छटकाए स्कोर छियासठ रन चार विकेटों के नुकसान पर बचे हुए दो वेद में सत्ताईस रनों की अभी भी आवश्यकता मैच जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को मजा आ रहा है इस मैच में इस रन चेज में खासतौर पर पहला ओवर बल्लेबाजों के पक्ष में दूसरा ओवर गेंदबाज के पक्ष में फिर बल्लेबाजों ने वार किया और एक बार फिर से गेंदबाज ने पलटवार किया है विक्की ने पलटवार किया है मायरा स्पोर्ट्स की ओर से फोर वेलकम बैक वंस अगेन इन बीसी फोर प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्पोर्ट्स एंड विक्टोरियन स्पोर्ट्स उमेश एक बार फिर से आक्रमण पर छोटी गेंद बड़ा हिट फुल और सक्सेसफुलश जिनको काफी मौके मिले हैं आप अपने हाथ खोलते हुए उमेश तरे का छोर बदला गया है पहला ओवर उन्होंने किया था मैदान के नॉर्थ एंड से अब साउथ एंड से आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से टप्पा पड़ने के बाद थोड़े अंदर आई लेकिन छोटी गेंद थी और काफी समय था बैट्समैन के पास स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत ही करारा पुल शॉट छः रनों से स्कोर बहत्तर पर पहुंचता हुआ चार विकेटों के नुकसान पर अब समीकरण है ग्यारह गेंदे शेष रन चाहिए ट्वेंटी वन इक्कीस रिसेंट से गेंदबाजी करना दाइनेथ के बैट्समैन के विरुद्ध थोड़ा मुश्किल भी माना जा सकता है क्योंकि जो हवा का रुख भी हम देख रहे हैं वो दाइनेथ के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से ऑन साइड की तरफ बह रही है यहाँ पर बाउंड्री भी बहुत लंबी बाउंड्री नहीं है इस मैदान पर तो ऐसे में जो परिस्थितियाँ है वो जरूर थोड़ी बल्लेबाज के पक्ष में जाती है लेकिन परिस्थितियाँ आपको मैच नहीं जिताती है आपके खिलाड़ियों के स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अपने स्किल्स को इस्तेमाल में लाना होगा उमेश तरे उसके लिए जाने जाते हैं एक बहुत ही अच्छे और चतुर बॉलर हालांकि माने जाते हैं उमेश तरे पहला ओवर सफल रहा था उनका नौ देखकर देकर एक विकेट लेकिन इस ओवर की शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर गेंद से की है उन्होंने अब सिली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी थे उनको बिल्कुल बल्लेबाज के सामने लाया गया है सिली पॉइंट पर तरे चले राइट ओवर द विकेट फुलर लेंथ ऑप्स के बाहर देखा पर का जाने दिया और वाइड अतिरिक्त रन और काफी खुश खेमा इस समय नजर आ रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम का अर्थात विक्टोरियन स्पोर्ट्स का गेंदबाज पर जरूर दबाव रहेगा बल्लेबाज पर भी दबाव जरूर रहेगा क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ है मोनिश को जो जीवन दान मिले है उसका फायदा उठाने की कोशिश है बीस पर पहुंच चुके हैं मोनिश अच्छी गेंद है ये अपील और आउट, आउट लेग बिफोर विकेट हालांकि गेंद बाउंड्री के बाहर लेकिन बैट्समैन को भी जाना होगा बाउंड्री के बाहर पवेलियन में लौटना होगा और बिल्कुल आश्चर्यजनक तो नजर आ रहे हैं वहां पर बल्लेबाज मोनिश रिस्की स्ट्रोक था ये स्वीप खेलना चाहते थे फाइन स्वीप लगाने का प्रयास ऑफ स्टंप के पहले बाहर निकले फिर जो फ्रंट लेग था वो उन्होंने स्टंप्स के लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था और कोई शंका नहीं अंपायर के मन में यह प्लम्ब एलबीडब्ल्यू का आ जा सकता है अच्छा निर्णय अंपायर रमीज रईस का तिहत्तर पर गिरा है पांचवा विकेट मैच में अभी भी ढेर सारा रोमांच बाकी है दस गेंदों का खेल शेष है और अभी भी बीस रन चाहिए दस गेंदे बीस रन आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है लेकिन ये सिटी क्रिकेट है और आजकल तो हम ग्रामीण क्रिकेट में भी देखते हैं कि टेलेंडर्स भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं यहाँ पर तो अब लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज क्रीज पर पहुँचे हैं। सातवें नंबर पर खेलने के लिए लेफ्टी बैट्समैन रजाक दो बायात के बल्लेबाज अब क्रीज पर बल्कि साकिब नॉन स्ट्राइकर इन पर है साकिब दाइनियत के बल्लेबाज है लेकिन दो नए बल्लेबाज है क्रीज पर जिन्होंने एक भी गेंद का सामना नहीं किया है जावेद चर्चा करते हुए इस समय गेंदबाज के साथ कुछ खान मंत्र जरूर दिया है जावेद का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है जावेद गेंदबाजी भी कर लेते हैं लेकिन फिलहाल गेंद हाथ में है उमेश तरे के और व्हाइट पर बल्ला फेंक दिया है बल्ले का किनारा शॉर्ट मैन पर स्टॉप किया गया है एक रन मिलेगा यहाँ पर रजक का खाता खुलता हुआ साकिब के पास है अब स्ट्राइक स्कोर इस समय चौहत्तर रन पांच विकेटों के नुकसान पर नौ गेंदे शेष है उन्नीस रनों की दरकार मैच को जीतने के लिए यहां से विक्टोरियन स्पोर्ट्स को विक्टोरियन स्पोर्ट्स और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में यह जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं बीसी फोर प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी दो का पहला दिन साकिब के लिए लॉन्ग ऑफ मौजूद ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर है बिल्कुल लोअर पिच लॉफ्टेड हेड शॉट गजब का स्ट्रोक रन। कमजोर गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए साकिब इतनी कमजोर गेंदबाजी आप नहीं कर सकते हो यह बिल्कुल ओवर पिच थी और कोई प्रॉब्लम नहीं बल्लेबाज को सीधे बल्ले से लॉफ्ट शॉट खेला है ऑन को आसानी से क्लियर करते हुए छह रन मिले और इसके साथ ही स्कोर अस्सी रनों पर पहुंचता हुआ अब तेरह रन चाहिए आठ गेंदों का खेल बाकी मुकाबला यदि टाई में समाप्त होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा साकिब ने जबरदस्त अंदाज में आगाज किया है अपनी पारी का। काफी छक्के देखने को मिले इस पूरे मैच में ओ हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन कितनी दूर फील्डर के पास अच्छा कैच बहुत अच्छा कैच और विकेट का पतन कहानी में रोचकता बरकरार पिछली गेंद पर छक्का जड़ा था जो कि बिल्कुल ओवर पिच बनी थी इस बार यॉर्कर लेंथ पर गेंद थी हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर लेकिन ये ज्यादा ऊपर खेल बैठे और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को काफी समय मिला गेंद के नीचे अपने को व्यवस्थित किया बहुत ही अच्छा कैच अंडर प्रेशर ये अच्छा कैच है इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं अंडर प्रेशर अस्सी पर छे अब विक्टोरियन स्पोर्ट्स चार विकेटे बाकी है सात गेंदों का खेल बाकी और यहां से रंस बनाने हैं तेरा अभी भी दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला भी बाकी है भरा क्रिकेट गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद जारी है भिनार में डीडी ग्राउंड पर नए बैट्समैन आदेश और आदेश के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो ग्रामीण क्रिकेट में भाधाने के लिए खेलते हैं और वहां पर ओपन भी करते हैं तो अच्छे बल्लेबाज है आदेश लेकिन कितना अच्छा खेलेंगे अब ये जो दबाव बना है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात है काफी घटनापूर्ण ओवर चल रहा है उमेश तरे का दो छक्के भी लगे हैं दो विकेट्स भी चटकाए हैं उन्होंने इस ओवर में और कुल मिलाकर तीन विकेटें उनके खाते में आखिरी गेंद उमेश तरे के स्पेल की आदेश फील्डिंग का मुआइना करते हुए ऑफ साइड में चार फील्डर्स ऑन साइड में पांच ये चले उमेश तरे से ओवर प्रयास भी, फल हुआ, में चूक भी, भी गलत थी। की दिशा में छोड़ देते तो शायद वाइड भी मिलती। लेकिन बल्ला चलाया स्वीप किया और कमाल की टाइमिंग शानदार छक्का एक और बैट्समैन ने सिक्सर से अपने पारी का आगाज किया है यह तो के काफी बाहर थी लेकिन मौका था और उन्होंने सोचा कि ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा शानदार छक्का रन संख्या उछलती हुई विक्टोरियन स्पोर्ट्स की छियासी रन 86 अब केवल सात रन चाहिए छह गेंदों का खेल बाकी है आखिरी ओवर में सात रन चाहिए बहुत बड़ा टोटल बनाया गया पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में माहिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा बानवे रन स्कोर बोर्ड पर टांगे थे जिसमें दानिश काजी ने उनतालीस रनों की धुआधार पारी के लिए अट्ठारह गेंदों पर जावेद ने पारी को जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया आखिर के तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़े लेकिन जवाब करारा जवाब दिया गया है उस बड़े टोटल को बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई देखने को मिला शुरुआत में उमर खान द्वारा पहले ओवर में तैंतीस रन उन्होंने चट लिए थे और फिर वहाँ से जो नीव रखी थी उसके ऊपर अब अच्छा काम बाकी के बल्लेबाज भी करते हुए नजर आ रहे हैं हालाँकि विकटें भी गिर रही है छः विकेट्स भी गिरे हैं लेकिन मौका बना हुआ है यहाँ पर इस मैच को जीतने का विक्टोरियन स्पोर्ट्स के पास क्योंकि अब सात रन चाहिए छः गेंदों का खेल बाकी अच्छे अच्छी गेंदे करनी होगी इस मैच को जीतने के लिए मायरा स्पोर्ट्स को गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में तैयार होते हुए विक्की विक्की का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा है इस पारी का जो चौथा ओवर किया था उन्होंने उसमें दो विकेटें चटकाई थी सिर्फ आठ रन दिए थे तो सबसे अच्छे बॉलर इस पारी में मैं समझता हूँ जहां तक गेंदबाजी का सवाल है उनको ही आखिरी ओवर दिया गया है सामने है रजाक करारा स्ट्रोक ऑन ड्राइव किया है फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर सिंगल मिलेगा और सिंगल से ही संतुष्ट होना होगा आदेश के पास स्ट्राइक पांच गेंदे बाकी छह रन चाहिए फील्डिंग में परिवर्तन जरूर होगा क्योंकि दायन के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं क्या कोई अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखा जाएगा यह देखने वाली बात है काफी हलचल मैदान में लॉन्ग ऑन ऑन साइड में डिप मिड विकेट है एक डिप स्क्वेयर लेग की तरफ खिलाड़ी थोड़ा सामने इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर बाउंड्री पर खिलाड़ी फाइन लेग सर्कल के अंदर थर्ड मैन सर्कल के अंदर काफी फाइन फ्लाई स्लिप आप कह सकते हो तो वहां पर एक स्क्वेरिश शॉर्ट थर्ड मैन है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनको भी अब अंदर बुलाया गया है जावेद फील्ड सजाते हुए थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है इस गेंद के लिए डीप कवर में खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑफ मौजूद है और ये चले अगली गेंद लेकर विकी ओवर द विकेट और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज शॉट तो ठीक तरह से जमा नहीं पाए लेकिन लेग बाईस के रूप में सिंगल चुराया है और एक एक रन की बहुत बड़ी कीमत है इस मैच में रोमांचक मैच ये मैच अभी भी मैं समझता हूं कि किसी भी दिशा में जा सकता है मायरा स्पोर्ट्स भी जीत सकती है विक्टोरियन स्पोर्ट्स भी जीत सकती है या फिर टाई भी हो सकता है चार गेंदों में पांच रन चाहिए क्रिकेट खेल ही ऐसा है क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है बहुत ही शानदार और महान अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट लेकिन बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली है इस मैच में दोनों टीमों द्वारा अगली गेंद हवा में है मिस टाइम कर बैठे और आउट एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं अच्छा कैच विकी के खाते में एक और विकेट थोड़ा दूर से ड्राइव करने का प्रयास था इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को रजा किए देखिए फ्रंट फुट को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं बल्कि फ्रंट फुट उन्होंने लेग स्ट्रम के बाहर लेकर चले गए थे और इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास लेकिन मिस टाइम कर बैठे स्लाइस कर बैठे मिडल नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को वहाँ पर और ये आसान सा मौका बना फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो तीन गेंदों में आप पाँच रन चाहिए आखिरी ओवर में सात रन चाहिए थे पहली तीन गेंदें बहुत अच्छी रही है विक्की की विक्की ने पूरे मैच में हम देखे तो गेंदबाजी गजब की है विकटें भी चटका रहे हैं और रन भी बहुत कम खर्च किए हैं अन्य गेंदबाज जहां पर काफी खर्चीले साबित हुए हैं वहां पर विकी किफायती भी रहे हैं और विकते भी चटकाई है तीन तीन गेंदे पांच रन और विकते भी देखिए सात खिलाड़ी आउट हो चुके हैं तीन विकेट्स बाकी है अब नौवे नंबर पर नए बैट्समैन साहिल साहिल का मतलब होता है किनारा और टीम की नैया जो अब मजेदार में फंसी हुई नजर आ रही है उसको क्या वो किनारे लगा पाएंगे आइए देखते हैं अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेंथ बॉल आड़े बैट से प्रहार किया है डीप स्क्वार मिड विकेट मौजूद है वहां पर एक ही रन मिलेगा एक ही रन मिलेगा जी हाँ आदेश के पास अब स्ट्राइक है जिम्मेदारी आदेश के कंधों पर दो गेंदे चार रन चाहिए कमाल का मैच हो रहा है बहुत ही जबरदस्त हैरत क्रिकेट जिस तरह का मैच दर्शक कहीं ना कहीं उम्मीद भी कर रहे थे उसी तरह का ये मैच है आदेश एक छक्का जड़ चुके हैं दो गेंदों का सामना करते हुए छह रन बनाए उन्होंने लेकिन ये दो गेंदे बहुत कीमती दो गेंदे हैं बाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन जैसे ही सामने आते हैं ओवर द विकेट करते हैं और बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी रही अभी तक पुलरलैन प्ले एंड मिस प्ले एंड मिस डॉट बॉल अब आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को ओहो यदि ये मैच विक्की ने जिताया तो निश्चित रूप से ये एक करिश्मा ही माना जा सकता है मेरे ख्याल से इस विकेट पर छह सात रन बचाना बहुत मुश्किल काम है और पूरे मैच में हमने देखा है कि क्या हालत हुई है गेंदबाजों की दोनों टीमों के लेकिन विक्की ऐसे लग रहा है एक अलग ही पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे रिदम में अंडर प्रेशर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी एक गेंद चार रन अभी तक जो हमने देखा है वो बहुत ही जबरदस्त चीज देखी है लेकिन अब जो शेष है वो भी विशेष है आखिरी गेंद चार रन चाहिए विकेट आदेश बढ़िया प्रहार बेहतरीन स्ट्रोक फील्डर पहुंचे जरूर हाथ से चिटकी गेंद बाउंड्री के बाहर और इसके साथ ही मैच जीत लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने छे रन अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिताया अपनी टीम को आदेश ने वाओ क्या मैच रहा और क्या ये शॉट खेला है एक प्योर क्लासिक लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी प्रयास थे कैच के लिए लेकिन नहीं कैच कर पाए और आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर छ रनों के लिए लास्ट बॉल थ्रिलर रहा यह और आखिरकार विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने बाजी मार लिया है कॉन्ग्रेचुलेन्स विक्टोरियन स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक टफ लक मायरा स्पोर्ट्स हार्डल की हॅलो थँक्यू सो मच मॅच ऑफ आपण अनाउन्समेंट करायची लगेच गरज मॅन ऑफ द मॅच दानिश काझी सॉरी uh, नितिन शेठ आपल्याला मॅच आहे उमर खान उमर खान या माचा मॅन ऑफ द मॅच आपण उमर यायचा प्रतिमा आपल्याला बॅटिंग पाहायला मिळाला उमरच्या माध्यमातून जबरदस्त क्रिकेट खेळला सुरुवात चांगली होणं गरजेची होती सुरुवात देखील पाहायला मिळाली आणि उमर या माचा मॅन ऑफ द मॅच आठ चेंडू मध्ये बत्तीस धावांची आकर्षक खेळी साकारली उमर खानने आणि अतिशय फ्लाइंग स्टार्ट मिळून दिला आपल्या टीमला उमर या मासा मनाद उमर खान तर या माण देऊया मान ऑफ द मॅच आणि मान ऑफ द मॅच चला शाहिद खान तसेच आमचे पापा सर चला आपण यायचे उमर या माचा मान ऑफ द मॅच आपल्याला खूप चांगला खेळ पाहायला मिळाला या सुंदर खेळ त्याच्या माध्यमातून या धावा चीस करत असताना सुरुवात चांगली होणं गरजेची होती सुंदर असा गिफ्ट टेम्पर आहे तो आपण देतो आमचे पापा सदस्य शाहिद खान एक अप्रतिम खेळाडू यांच्या शुभास आपण हा बक्षीस देतोय मॅन ऑफ द मॅच उमर